So, यहाँ पे दो कंडीशन है तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का आंसर देंगे तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि आपको कंसिडर करना है कि आपका जो क्यू इंक्लोज है वो ज़ीरो है अगर हम बात करें गॉस लॉ की तो वो क्या होता है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज ओवर एबसाइल नॉट और यहाँ पे उन्होंने हमें बोला है कि हमारे पास जो क्यू इंक्लोज है वो जीरो है लेट्स से कि हमारे पास एक गॉसियन ऑफिस है उसके अंदर तीन चार्जेस हैं और एक बाहर है और इन्होंने बोला है ना कि हमारे पास जो इनक्लोज़्ड है वो किसके इक्वल है ज़ीरो के तो मान लो कि क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री इज़ इक्ल टू ज़ीरो बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारे पास वो किसकी वजह से हो सकती है क्यू फोर की वजह से हो सकती है तो क्यू फोर की वजह से क्यों हो सकती है क्योंकि जो हमारा ई e होता है इसके अंदर सारे चार्जेस आते हैं चाहे आप बाहर वाले ले लो चाहे व आप अंदर वाले ले लो सारे चार्जेस इनक्लोज रहते हैं लेफ़्ट साइड पर तो यहाँ पे Q4 की वजह से हो सकती है इसलिए हमारी जो लेफ़्ट साइड है राइट right साइड है वो दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकती या हम ये नहीं बोल सकते कि अगर अंदर चार्जेस ज़ीरो हैं तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी ऐसा नहीं पॉसिबल इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो ये पहला केस हो गया हमारा अब सेकेंड केस उन्होंने बोला है इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन गॉशन सर्फेस ज़ीरो सेकेंड केस में वो बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या हमारा क्यू ज़ीरो होगा तो यहाँ पे अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़ीरो है तो नेट चार्ज भी ज़ीरो होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किसकी वजह से था अगर हम फर्स्ट केस की बात करें Q4 की वजह से था क्योंकि ये तीनों मिल के तो ज़ीरो दे रहे थे तो Q4 की वजह से था और अगर Q4 भी ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब आपका चार्ज नेट चार्ज भी ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे ये जो ऑपोजिट केस होता है ये तो एप्लीकेबल होता है बट ये वाला जो केस है ये एप्लीकेबल नहीं है कि अगर उन्होंने बोल दिया कि हाँ टोटल चार्ज इनक्लोज ज़ीरो है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ज़ीरो इस केस में पॉसिबल है कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़ीरो है तो आपका नेट चार्ज भी ज़ीरो हो सकता है सो येस दिस इज़ हाउ यू हैव टू अटैम्प्ट योर क्वेश्चन कि आपने दोनों का आंसर देना है और ऐसे दे सकते हो कि एक लेट कर लो गशन सर्फिस और उसमें बोलो कि ये ये चार्जेस प्रेजेंट है और बाहर भी एक दो चार्जेस दिखा दो और फिर आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो सो येस दिस इज हाउ यू कैन आंसर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन लेट्स नाउ स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर एटीन